मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था, ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए आत्म ध्यान की साधना, अपने आत्म स्वरूप के बोध के साथ साथ अपनी साधना का शिखर भी पा लिया, दृढ़ संकल्पों और अथक परिश्रम व पुरुषार्थ से आचार्य श्री ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुंचाने का आध्यात्मिक उपक्रम चल रहा है। देखिए ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है, मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं, मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने परखने समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। अक्रिय होना सबसे बड़ी बात है, जप करना तप करना अक्रिय होना, जो आत्मा का स्वभाव में आना है। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। हम अपने स्वभाव में आते हैं तो अनंत कर्म निर्जरित होते हैं, हम विभाव में जाते हैं तो कर्म का बंधन होता है। आत्मा अक्रिय थी, अक्रिय है, अक्रिय रहेगी। आत्मा क्या करती है, कुछ नहीं करती है, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा भाव। और मन ही चंचल है, बुद्धि मन इंद्रियां ही घुमा रहा है। ये चार गति 84 लाख जीवन हमने क्यों भ्रमण किया, हमने मन के कारण, बुद्धि के कारण, इंद्रियों के कारण सब घुमा रहे हैं। परिवार में ले गए, धन में, शक्ति, सब ये मन घुमा रहा है, बुद्धि घुमा रही है। आत्मा मात्र दृष्टा है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को अन्न का दाना नहीं चाहिए, पानी की बूंद नहीं चाहिए। जितना धन तुमने कमाया आत्मा को काम आता है कोई, बोलो किसको काम आता है। तो शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो, मैं आत्मा, मेरे पास, मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, ये प्रभु की वाणी है। समझे क्या समझे, समझो ध्यान क्या है, आत्मा की अक्रिय अवस्था क्या होती है। कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं, आनंद में रहना, ये ध्यान है। ध्यान का कुछ नहीं करना, अपने में स्थित हो जाना, अपने स्वभाव में आ जाना, यही ध्यान है। ये सबसे कठिन है करना, मन कहीं ना कहीं चलाकी खेलता है, ये कर लो वो कर लो, इसको मिल लो इसको मिल लो, यहां कर्म बंधन का कारण है। नहीं हो सकता अक्रिय अवस्था पर, थोड़ा समय तो निकाल लो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रह के तो देखो सुख कहाँ है। सुख अक्रिय अवस्था में है, आत्मा में है। ये कोई काम नहीं आने वाला, किसी का कुछ काम आने वाला नहीं। तुम सोचो और समझो, तुम्हारा अनंत पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य यही है कि तुम्हें साधना मिल गई। ये फैक्ट्रियां पहले भी राजा महाराजा बने होंगे, देवलोकों में गए होंगे, कोई खास का बात नहीं है। एक श्वास टूटी, कौन अपना कौन पराया, और क्या भरोसा जिंदगी का। ऐसे धन पे धन, फैक्ट्री पे फैक्ट्री, बेटे के लिए सारी प्लानिंग बेटे के लिए करते हो, पोते के लिए करते हो, उसके लिए करते हो। अरे हमने अपने को समय नहीं दिया, अपने को समय दो, आत्मा को समय दो। तुम ध्यान करोगे तुम्हारी नींद कम हो जाएगी, 3 घंटे 4 घंटे के बाद तुम उठ जाओगे। भीतर का सुख अभी मिला नहीं है आपको, तुम बाहर के सुख से तृप्त हो कि बाहर में बहुत सुख है, सुख है ही नहीं बाहर। मनपसंद का भोजन कर लो, ज़्यादा कर लो, दुखी हो जाओगे। और लक्ष्मी तो चंचला है, आज है कल नहीं है। बेटे को अपना क्यों मानती हो, मैं तो हैरान की बात है, बेटा तुम्हारा है। समझो जरा, कोई संबंधी अपना नहीं, शरीर अपना नहीं, सबसे आसक्ति शरीर पर है।
शरीर के साथ सारे संबंध, माता पिता, बहन भाई, पत्नी, परिवार, धन, गुरु, परंपरा, शिष्य, ये सब नाशवान है, कोई तुम्हारा नहीं है एक आत्मा के सिवाय। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आत्मा ने अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया, एक पानी की बूंद नहीं की। सोचो इतनी गहरी साधना कभी कभी मिल नहीं सकती तुम्हें, कृपा बरस रही है प्रभु की, ये साधारण साधना नहीं है। अपने को जानना और अपने को देखना सबसे कठिन काम है जो महावीर ने किया। सब काम कर लोगे, अपने को जानना और अपने को देखना सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना, आत्मा में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। कबीर ने कौन सी किताबें पढ़ी थी, महावीर ने कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। महावीर अपने को जानते, देखते, करते, अपने कर्मों को हम देखें, मेरे पर कितने कर्म लगे हैं, कर्मों को काटना है। और ध्यान, कौशग, मौन, इसमें आकर के कर्म कटेंगे, और कोई मार्ग नहीं है। देह एक प्रयोगशाला बनाओ और आत्मा में स्थिर कर दो। यदि आप एकत्व भावना है तो आप संग चाहते हो किसी का, एकत्व भावने का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप संग चाहते हो तो एकत्व भावना कैसे हुई। भगवान ने कहा आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। मैं अकेले का मतलब मुझे कोई संग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। महावीर अकेले थे, सभी तीर्थंकर भगवंत अकेले थे। हम किसी का साथ क्यों चाहते हैं कि हमारा मन रास्ता निकालता है। आत्मा को बलवान बनाओ ना, एक आत्मा, तुम्हारी आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं। और जब भी मोक्ष जाओगे अकेली आत्मा जाएगी और कुछ जाने वाला नहीं, समझो इसको। एकत्व की भावना केवल हम पढ़ लेते, मैं भी कह देता हूँ, पर यदि हम संग चाहते हैं, मेरा परिवार, मेरा शिष्य, मेरा ये, मुझे सुख मिल जाए, तो एकत्व भावना नहीं है हमारे भीतर। प्रयास करो, घंटा, दो घंटे, चार घंटे अकेले रहो, मौन में रहो, ये साधना घर में प्रयास करो, इसको प्रमुखता दो, जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। भगवान ने फरमाया था कि उठते, बैठते, चलते भेद ज्ञान करो, कि खुली आंखों से ध्यान करो, बंद आंखों से ध्यान करो। तो कैसे करते हो आप, भेद ज्ञान बना रहता है सबका। जितना भेद ज्ञान परिपक्व होगा उतनी साधना आगे बढ़ेगी। ये सबसे डिमार्केशन है कि भेद ज्ञान परिपक्व होना चाहिए। प्रतिपल प्रतीक्षण मैं शिव मुनि नहीं, मैं साधु नहीं, ये शरीर का नाम है, मैं आत्मा। और जब भोजन करो तो भोजन कौन करता, आत्मा भोजन करती है क्या। तो शरीर को भोजन दिया, भूख लगी, शरीर को भूख लगी, ठीक है, शरीर को भोजन दे दिया, पर मैं मात्र दृष्टा। जो जो क्षण दृष्टा में रहेंगे वो कर्मों की निजरा होगी। निजरा दृष्टा भाव में है, क्योंकि तुम अपने स्वभाव में आ गए, अपने स्वभाव में आ कर्मों की निजरा हो गई, विभाव में चले, कर्मों का बंधन। इतनी साइंटिफिक विधि है भगवान की, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कुछ नहीं करना, केवल अपने को जानना और अपने स्थित। श्री पंडराज ऐसे नहीं कहा, जे स्वरूप समझा बिना पामे दुख अनंत, समझावे होते पद नमु श्री सतगुरु भगवंत। जिसने आपको स्वरूप का बोध दे दिया, जिसने आपको आत्मदृष्टि दे दी, जिसने आपको क्षय समकत दे दी, उसके चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत। भोजन करते समय भेद ज्ञान नहीं रहता तो प्रयास करो, चलते समय, उठते समय, खाते समय, कुछ भी करो, भेद ज्ञान बना रहना। भोजन किया 15 मिनट में, भोजन किया आधे घंटे में, 5 मिनट तो याद रहे। जाओ भोजन करते समय प्रभु का प्रसाद समझ के हाथ में थाली ली, शरीर भोजन कर रहा है, मैं आत्मा, दृष्टा भाव से भोजन करो। आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका स्वाद कम हो जाएगा, आप गलती से भोजन कर ही नहीं पाओगे, और भोजन करते करते भी ध्यान हो जाएगा आपका। जब आप रात को विश्राम करते हो तो केवल शरीर विश्राम कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। दृष्टा भाव पुष्ट हो गया तो अनंत कर्मों की निजरा प्रतिपल प्रतीक्षण हो रही है। कहने को आसान है, सबसे कठिन काम यही है। जप कर लेना, पाठ कर लेना, स्वाध्याय कर लेना उत्तम है, पुण्य का बंद होता है, पर कर्म निजरा दृष्टा भाव में ही होती, समझ गए। केवल दृष्टा भाव में कर्मों की निजरा, कितना समय हम दृष्टा भाव में रहते देखो तो मन कहीं ना कहीं उलझा रहता है, ये कर लो, वो कर लो, इसको दे दो, वो, मैंने ठाई तप कर लिया, मैंने मांस खमन कर लिया, मैंने स्वाध्याय कर लिया, ये कर्ता भाव है तुम्हारा। आत्मा करता है, ये कुछ नहीं करती,
स्वाध्याय भी करो, अपने स्वयं को पुष्ट करना है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं को पुष्ट करके स्वाध्याय करो। ये साधना भेद ज्ञान, जब तक भेद ज्ञान नहीं होगा आपकी साधना शुरू नहीं होगी। ये ऐसी बात नहीं है कि भेद ज्ञान शरीर अलग है आत्मा अलग है कह दिया, नहीं, शरीर कर्ता भोगता है, मन वचन काया बुद्धि ये सब घुमाने वाले हैं, मैं आत्मा दृष्टा। जितनी आपकी आत्मा की पुष्टि होगी उतना आप बलवान हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, क्योंकि गुण तो आत्मा में है, अनंत ज्ञान आत्मा में, शरीर में अनंत ज्ञान थोड़ा, मन में थोड़ा अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख शक्ति किस में है? आत्मा में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम शरीर में ढूंढ रहे हैं, भोजन में ढूंढ रहे हैं, बच्चों में ढूंढ रहे हैं, धन में ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं वहां, तो मिलेगी कैसे? सब्जी वाले की दुकान पर हीरा खरीदना चाहो, सब्जी वाला दे देगा हीरा? बोलो, सब्जी मिलेगी तो हीरा कहाँ मिलेगा? देह की शक्ति में आपको आत्मा के गुण मिल सकते हैं। देह और आत्मा पास पास में है, पर दोनों अलग अलग हैं। भेद ज्ञान, मैं आत्मा हूं, था, रहूंगा। कुछ भी करो आत्मा को मत भूलो। हम बार बार कहते हैं, मैं नहीं कहता, परमात्मा की वाणी कहती है, एक आत्मा के सिवाय तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है। इस वाक्य को याद कर लेना, मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। जब किसी की याद आए, कोई धोखा दे जाए, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका परिवार, धन चला जाए, संबंधी चले जाए, रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, क्या याद करना? मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। वाणी में आया था, अनादि काल से भटक रहे हैं इस जड़ काया में, कभी भरत क्षेत्र में, कभी महाविदेह में, कभी देवलोक में, कभी नरक में हम गए सब। भगवान की वाणी पर विश्वास रखो, अनंत काल तक भटके हैं हम। क्यों भटके? हमारा मोह, हमारा मिथ्यात्व, हमारा अज्ञान। इस प्रकार भेद ज्ञान को जियो और अपना पिंड तुम्हें खाल लगे, ये शरीर एक खाल लगे, ये खाल दिखाई शरीर, और लगेगा जब आप गहरे जाओगे, एकदम नहीं लगेगा। भेद ज्ञान करो, देह और आत्मा का भेद करो, कि देह खाल लगे और तुम आत्मा लगे। जितना गहरा भेद ज्ञान करोगे उतनी साधना परिपक्व होगी। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद भी बहुत दिया, संतों ने बहुत आशीर्वाद दिया, सब ने बड़ा प्यार दिया, और गुरु महाराज के आगे, गुरुदेव जी के आगे हमेशा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, इनसे राष्ट्र के लिए, अमन शांति के लिए, महावैद्य का संदेश के लिए, जैसे खुद भगवान यहाँ विराजमान हैं, बहुत शांति मिल रही थी। वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय महावीर जी, वंदे मातरम। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन का शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। विचार आएंगे, आने दे, जाएंगे, जाने दे। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, इंद्रियां भी नहीं। ये अजीब शरीर बदलता है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। जो नहीं बदलता वो तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी, सत्य चित्त आनंद, स्वयं संपन्न परिपूर्ण आत्मा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है। दृष्टा भाव में रहोगे तो कर्मों की नहीं रहोगी। दृष्टा भाव लाएगा प्रेम, करुणा, मैत्री, जिम्मेदारी। कर्ता भोगता में मूर्छा है, मोह है, आसक्ति है, कामना है, वासना है, संसार है। कर्ता भोगता में, दृष्टा भाव में शांति है, प्रेम है, निर्वाण है, मोक्ष है, निर्जरा है। चुनाव तुम्हारा है, तुम क्या चुनना चाहते हो। अनंत काल में हमने देह को चुना, मन के पीछे लगे, इंद्रियों के पीछे लगे, संसार लंबा होता चला गया। अब संसार को छोटा करना है,
अपने भीतर आ जाओ, अपने को जानो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग धम्म मंगल मुकिठमाहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म सेवा मनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि चार शरण तुकारण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा।